है, और मैं ना एक्शन। चलो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम महाराष्ट्र स्टेट के बारे में देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात की जाए, तो अगर बेसिक में देखा जाए तो इसका मतलब फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो पहले गुजरात, मतलब बॉम्बे पहले था, उसका डिवीजन महाराष्ट्र और गुजरात करके हुआ है 1916 में। तो अगर मतलब ये स्पेशल स्टेटस की स्पेशल स्टेटस की बात की जाए, जैसे आर्टिकल 370 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, तो उसमें दिया है कि इट प्रोवाइड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड्स इन महाराष्ट्र। जैसे मैंने साइड में भी दिया है, वो देख लेना प्रोविजंस क्या क्या है। मतलब वो आर्टिकल 370 के 71 के प्रोविजंस दिए हैं। उसमें फर्स्ट प्रोविजन है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर विदर्भ, मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड जो सेकंड वाला प्रोविजन है वो गुजरात का है, उसमें कोई नहीं। उसमें सेकंड प्रोविजन है कि मेकिंग प्रोविजन दैट रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑन दीज, मतलब जो ऊपर जो बोर्ड्स है उसमें हर साल हमें, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव को, लेजिस्लेटिव असेंबली को रिपोर्ट देनी होगी। फिर मतलब इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स का भी प्रोविजन दिया गया है। फिर एक इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग एडेक्वेट फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एडेक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब जो अबो मेंशनड एरियाज है उसमें। फिर अगर और बात की जाए तो महाराष्ट्र इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया है। अगर मतलब इसी में 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट बिल्ड हुई थी, मुंबई टू थाने रन हुई थी। अगर और स्पेशल केसेस की बात की जाए तो मुंबई इज द फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, वी ऑल नो। देन महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अपॉइंट लोकायुक्ता इन 1971। ये महाराष्ट्र हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज इन कोऑपरेटिव सेक्टर। और अगर और एक स्पेशल बात की जाए तो लोनार लेक है, जो कि मतलब वर्ल्ड का, मतलब मेटेराइट इंपैक्ट से क्रिएट हुआ हुआ वर्ल्ड का ओनली सलाइन लेक है। ये कुछ फीचर्स हैं। जोग्राफिकल जोग्राफिकल टर्म क्या है लोनार लेक के लिए? एंडोरिक जोग्राफी एंडोरिक लेक कह रहा उसमें हूँ। मीटियोर का था ना कुछ। क्रेटर लेक है ना। हाँ वो क्रेटर लेक है, लेकिन वो जो टोपोग्राफी बोलते हैं ना उसको, वो उसमें एंडोरिक आता है जहाँ पे वो सब आके में नदियां मिलती हैं एक जगह। ओके। इसका अपोजिट क्या होता है एंडोरिक का? एक्सो होता है क्या? हाँ एक्सोरिक बोल सकते हो। जैसा हम टोपोग्राफी पढ़ते ना, सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्यूगल, तो हाँ समझ सेंट्रिफ्यूगल गया हम समझ गया सॉरी। अमरकंटक पढ़ते हैं, अमरकंटक से वो निकल निकल के जा रही है। हाँ आउटवर्ड है क्या? पलाश पूछ रहे, शुगर प्रोडक्शन इन विच स्टेट इज हाईएस्ट? इट्स यूपी। यूपी। हाँ आई थिंक अभी यूपी है ना। एक्चुअली महाराष्ट्र इज हाईएस्ट इन प्रोडक्टिविटी एंड यूपी इज हाईएस्ट इन प्रोडक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। महाराष्ट्र शायद सेकंड है। सेकेंड है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन दोनों में यूपी आ गया है, इफ आई एम ठीक नॉट है रॉन्ग। आगे। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। मतलब महाराष्ट्र को मतलब पांच डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे विदर्भ हो गया, विदर्भ वाला रीजन मतलब जैसे एकदम ईस्टर्न वाला है ना, वो ग्रीन में दिया है, वो वाला विदर्भ हो गया। फिर मराठवाड़ा रीजन, मराठवाड़ा मतलब उसमें थोड़ा वो ब्राउन वाला रीजन है, वो मराठवाड़ा रीजन। फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र मतलब जैसे पुणे हो गया, मतलब ये वाला रीजन है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला रीजन है, पुणे कोल्हापुर सातारा वगैरह ये वाला पार्ट है, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया। कोकण वाला मतलब रत्नागिरी सिंधुदुर्ग रायगढ़ ये वाले डिस्ट्रिक्ट से ये कोकण रीजन में आते हैं। फिर खानदेश में मतलब नंदुरबार नासिक जळगाव,
ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स खानदेश में आते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो बाउंड्रीज में मतलब जैसे ऊपर गुजरात लगता है, फिर मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गोवा, दीज आर, और मतलब अगर वेस्टर्न साइड में देखा जाए तो अरेबियन सी है ये। अगर यूनियन टेरिटरी दमन दीव से भी मतलब दमन दीव और दादरा नगर हवेली से भी टच करता है। अब ये ज्योग्राफिकल रीजन हो गया। अब एक ये देख लेते हैं, जूम कर देना, मतलब हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है ये मैंने कुछ नोट डाउन किया था, वो देख लेते हैं। मतलब एक गडकरी रिवोल्ट हुआ था 1844 में, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर एरिया में हुआ था। गडकरी दिख रहा है क्या सभी को? हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक है, गडकरी रिवोल्ट हुआ था 1844 में। मतलब ये क्यों हुआ था, तो जो गडकरी थे वो हेरिडेटरी मिलिट्री क्लास था। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट और एग्रेरियन ग्रीवेंसेस के चलते वो रिवोल्ट किया था। अगर मतलब सोशल रिफॉर्मर्स या सोसाइटीज वगैरह उसकी बात की जाए, तो मतलब एक मतलब ज्योतिराव फुले का सत्यशोधक समाज है। मतलब ज्योतिराव फुले माली कम्युनिटी के थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज, नहीं सार्वजनिक सत्य धर्म बनाया, गुलामगिरी बनाया। मतलब अगर उनकी बात की जाए तो ये पायोनियर इन वुमेन्स एजुकेशन थे, और ही वाज द पायोनियर इन विडो रिमैरिज इन महाराष्ट्र स्पेसिफिकली। अगर परमहंस मंडली की बात की जाए तो परमहंस मंडली ये महाराष्ट्र की है। ये दादोबा पांडुरंग, नेताजी दुर्गाराम एंड इन्होंने स्टार्ट की थी। और इनकी मेन आइडियोलॉजी थी मानव धर्म समाज। नेक्स्ट आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी विद हेल्प ऑफ एमजी रांडे। इसका मेन एम था कि टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर सर्विस ऑफ इंडिया टू प्रमोट बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स वगैरह, ये मतलब एम थे। अगर हिंदू इन 1911 हिंदुत्व बिगेन टू पब्लिश टू प्रोजेक्ट व्यूज ऑफ सोसाइटी। मतलब ये हिंदुत्व गोखले पब्लिश करते थे। अगर और एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी भी कहते थे। मतलब ये एक जज थे। इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म्स देन चेंज द रिलीजन। ये इन्होंने एक वीकली स्टार्ट की थी, हितेचू। नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर देख लेते हैं, गोपाल गणेश आगरकर। ये एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने ट्रेडिशन पे ब्लाइंडली बिलीव करना या फिर मतलब अपने पास्ट को फॉल्सली ग्लोरीफाई करना, इस पे क्रिटिसाइज किया था। ये फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी थे, और इन्होंने ही सुधार स्टार्ट किया था, जो कि मतलब जो अनटचेबिलिटी या कास्ट सिस्टम था उसके ऊपर बोलता था। सोशल सर्विस लीग की नारायण मल्लार जोशी ने स्टार्ट की थी, टू सिक्योर फॉर मासेस बेटर बेटर एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क। अगर महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशनरीज की बात की जाए तो एक रामोसी पीजन फोर्स था, जो कि वसुदेव बलवंत फडके ने स्टार्ट किया था और 1879। अगर मतलब उसके बाद वाली बात की जाए तो तिलक आए थे। तिलक तिलक प्रोपोगेटेड अ स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इंक्लूडिंग यूज ऑफ वायलेंस। ये मतलब इंक्लूडिंग यूज ऑफ वायलेंस ये इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने गणपति या शिवाजी फेस्टिवल्स वगैरह स्टार्ट किए थे। तिलक ने ही मतलब जर्नल्स ऑफ केसरी एंड मराठा वगैरह स्टार्ट किया था। देन आते हैं मतलब सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर थे वो, इन्होंने अभिनव भारत स्टार्ट की थी।
नेक्स्ट मैंने जो हमारे ग्रुप में था वही यहाँ पे डाला है, मतलब सिर्फ मतलब स्पेस की वजह से नाम नहीं डाला मैंने, जो अक्षय और नीति का है कंपाइलेशन। पहले में है कि बाल गंगाधर तिलक है और दूसरे में विनायक दामोदर सावरकर है। उनकी मतलब ऊपर से देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रस से लिखी है, फिर मतलब आर्कटिक होम ऑफ वेदास भी उन्होंने लिखे हैं। फिर अगर न्यूज़पेपर्स की बात की जाए तो केसरी मराठी में था और मराठा इंग्लिश में था। फिर इन्होंने ही वाज़ द को फाउंडर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल एंड काम वगैरह, मतलब वो तो ज्यादातर पता ही होगा, सिर्फ ये हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर की बात की जाए तो हिंदुत्व के बारे में ये बहुत बातें करते थे। एंड इनकी अगर बुक्स की बात की जाए तो हिंदू पद पद शाही एंड माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, माझी जन्म ठेप एंड हिंदू राष्ट्र दर्शन, इन्होंने ही मतलब मित्र मेला स्टार्ट की थी, जो कि लेटर अभिनव भारत बन गई थी। फ्री इंडिया सोसाइटी लंदन में इन्होंने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट अब रिलीफ फीचर्स पे आते हैं। रिलीफ फीचर्स में मतलब ये तीन डिविजन्स होते हैं। एक तो कोकन स्ट्रिप, जो कोकन साइड पे आती है। कोकन स्ट्रिप ऑफ कोस्टल लो लैंड लाइन बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स, मतलब अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स में जो आता है वो एक डिविजन। फिर वेस्टर्न घाट्स टू वेस्टर्न सातपुरा हिल्स टू नॉर्थ वाला रीजन। फिर आता है एक डेक्कन प्लेटू वाला, जो कि ईस्ट ऑफ सह्याद्री पे लाया करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि मतलब कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र का 90% एरिया वो डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है, मतलब ये पता चल सकता है कि मतलब ये डेक्कन प्लेटू मतलब ये रिच इन बेसल्टिक लावा होता है, कंटेन्स मिनरल्स लाइक आयरन, बॉक्साइट, कोल, मैंगनीज, लाइम, जिप्सम। और गोंडवाना रॉक्स का भी कुछ पार्ट है जो कि सिर्फ मतलब 10% है। अब डेक्कन प्लेटू का इतना 90% पार्ट है, तो हम मतलब ये देख लेते कि मतलब ये मतलब प्लेटू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्लाइड। मतलब प्लेटो के दो मेनली दो डिविजन्स होते हैं, एक इंटर माउंटेन प्लेटो, कॉन्टिनेंटल प्लेटो, और ये डेक्कन प्लेटो एक कॉन्टिनेंटल प्लेटो है। और अगर मतलब और एक डिविजन टाइप में देखा जाए तो ग्लेशियल प्लेटो और लावा प्लेटो, मतलब ऐसे भी कैटेगराइजेशन होता है। तो डेक्कन प्लेटो इज अ लावा प्लेटो। इसमें क्या होता है कि जो लावा प्लेटो होता है उसमें हॉटस्पॉट वोल्केनो होता है, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे होता है। और अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे अगर क्रैक होता है तो उसमें से बेसाल्टिक इरप्शन होता है। बेसाल्टिक एकदम फ्लूइड होता है जो कि मतलब लैंड पे स्प्रेड होता है, और मतलब लेयर बाय लेयर वो एक्यूमुलेट होता जाता है और प्लेटू बनता है। फ्लड प्रोवेंस, अब फ्लड प्रोवेंस अब वही मतलब डेक्कन डेक्कन प्लेटो का एग्जांपल दिया है। अगर डेक्कन प्लेटो की बात की जाए तो ये रियूनियन आइलैंड पे हॉटस्पॉट वोल्केनो है। फिर उसमें से वो बेसाल्टिक इरप्शन होता है, वो लेयर बाय लेयर होके डेक्कन ट्रैप बनते हैं। अगर सॉइल की बात की जाए तो ब्लैक सॉइल मतलब रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, वो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। मतलब ब्लैक सॉइल में पता ही है कि कॉटन कल्टिवेशन ज्यादा होता है। अगर मतलब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मतलब मैंने वो फिगर दी है, उसमें लोकेशंस वगैरह मार्क किए हैं और नीचे उसकी नंबरिंग भी दी है, वो बाद में देख लेना। उसमें 7 नंबर पे डेक्कन प्लेटो है, मतलब डेक्कन प्लेटो का हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे मैंने मतलब ऊपर बात आई थी कि हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म क्या होता है। हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म शॉर्ट में देख लेते हैं। इट इज अ मतलब एक टाइप का वोल्केनिज्म होता है जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट पे ऑकर होता है, रादर देन मतलब जो बाकी जो वोल्केनिज्म होते हैं वो
कन्वर्जन एंड डाइवर्जन जो प्लेट होती है वहां पे ऑफर होता है। एक बात ये याद रखने की, जो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म होता है ऑकर्स ड्यू टू एबनॉर्मली हॉट सेंटर्स इन मेंटल, और उसे ही मेंटल प्लम्स कहते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, ये हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म और हॉट स्प्रिंग सेम नहीं है ना? नहीं, तो ये येलोस्टोन हॉटस्पॉट भी लिखा है और येलोस्टोन में एक हॉट स्प्रिंग भी होता है, गीजर होता है। येलोस्टोन में हॉट स्प्रिंग है बट इट्स नॉट, मतलब हॉटस्पॉट इज नॉट बिकॉज इट हैज हॉट स्प्रिंग्स। ठीक, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म अलग होता है, हॉट स्प्रिंग मतलब वो हमने कल भी देखा था ना, स्प्रिंग और गीजर वाला। गीजर मतलब फाउंटेन होता है, स्प्रिंग मतलब वो शांत रहता है। वो हॉट स्प्रिंग उससे रिलेटेड है ना, जियोथर्मल एनर्जी से, जियोथर्मल और एनर्जी से रिलेटेड है ये, वोल्केनिज्म से वोल्केनिज्म रिलेटेड है। का तो अलग ही कंसेप्ट है, वो अलग ही चीज है ये। ओके, कीड़ा का नाम क्या है हॉट स्प्रिंग वाले? हाँ याद नहीं है, ठीक है बता दो। पूछ रही बैक्टीरिया ना, हाँ बैक्टीरिया, और स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया मिलता है उसका नाम क्या है? कुछ नहीं, साइनोबैक्टीरिया तो नहीं है। ठीक है, देख के बता देना फिर से। ठीक है हाँ, अभी देख के बताते हैं। अब रिलीफ फीचर्स में बात करते हैं, मतलब अलग अलग रेंजेस देख लेते हैं। रेंजेस में मतलब ऊपर सातपुरा रेंज है, गाविलकर रेंज है, मतलब इतनी सारी रेंज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मतलब एक हरिश्चंद्रा रेंज है उसमें, मतलब जो महाराष्ट्र का हाईएस्ट मतलब पीक है वो कलसुबाई पीक है, वो हरिश्चंद्रा रेंज में है, जो कि मतलब ये बीच में दिख रहा होगा आपको एक महादेव रेंज। मतलब बाकी रेंज इतनी देखने की जरूरत नहीं है, एमपीएससी वगैरह कर रहे होंगे तो देख लेंगे। ये जिस जैसे नाम लिखे हुए वैसा ही उनका पैटर्न है? हाँ वैसे ही पैटर्न है। आगे पासिस भी आएगा क्या? महाराष्ट्र में पासिस नहीं होते हैं। एक है ना, दो मतलब पासिस दो पास है, बालाघाट और बालाघाट मोरगाट। हाँ, तो ये बालाघाट रेंज बालाघाट पास के पास है क्या? वही पे है, मतलब मुझे लेकिन जो भी पासेस है मोस्टली वो मतलब वेस्टर्न साइड पे ही है। थारगाट वही है ना, पहाड़ बोरगाट और थारगाट है ना। बोरगाट थारगाट। ठीक है नेक्स्ट पे चले। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में मतलब बहुत सारी रिवर्स इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र में, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है कि गोदावरी। गोदावरी मतलब ये इट ड्रेन्स नियरली हाफ ऑफ द महाराष्ट्र एरिया, तो मतलब पता चल सकता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए। जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र मतलब जो कलसुबा आई है वो मतलब गोदावरी बेसिन पे आता है, वैनगंगा वर्धा ये सब गोदावरी के कुछ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। नीचे मैंने मतलब कुछ दिया, मतलब तापी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इसी स्लाइड पे। तापी इज ऑल्सो कॉल्ड ताप्ती एंड इट राइजेस फ्रॉम सातपुरा रेंज इन मध्य प्रदेश एंड फ्लोज टूवर्ड्स वेस्टवर्ड। मतलब ये याद रखना है कि तापी इज अ वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर एंड उकाई रिजर्व है जो कि तापी पे आता है। वो तापी की मैं नेक्स्ट स्लाइड देखना। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे तापी का ये दिया है, मतलब जैसे रिवर फ्लोइंग है ना वो दिया है, वो बेतुल प्लेटो पे ओरिजिनेट होती है, फिर मतलब ऐसे आके धीरे धीरे करके वो यहाँ पे पूर्णा रिवर उसे मिलती है और बाद में अरेबियन सी को मिल जाती है। अगर स्टेट्स की बात की जाए तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों स्टेट्स में से तापी निकलती है। अब बात करते गोदावरी रिवर। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया और इसे दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर मतलब अगर स्टेट्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
और कुछ मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश और कर्नाटका का स्मॉलर पोर्शन होता है, और पुदुचेरी में भी थोड़ा पार्ट गोदावरी का है, पुदुचेरी मतलब यानम में। और अगर बेसिन की बात की जाए तो इट इज बाउंडेड बाय सातमाला हिल्स, अजंता रेंज एंड महादेव हिल्स ऑन नॉर्थ एंड ईस्टर्न घाट्स ऑन द साउथ एंड ईस्ट वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट। वो वाले मतलब डायग्राम, जो बेसिन का डायग्राम है वो मैंने नीचे दिया हुआ है, वो देख लेना। मैंने मतलब ये ओनली है इसका है, वही से मैंने लिया है, मैंने खुद नहीं बनाया। और गोदावरी रिवर के बारे में अगर बात की जाए तो ये त्र्यंबकेश्वर है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, वो वहां से ओरिजिनेट होती है। अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक से ज्यादा है और लार्ज भी है। एक मंजरा है जो कि इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर देखा जाए तो एक धरना है, धरना है, पेनगंगा है, वैनगंगा है, वर्धा है, प्राणहिता है। ये मतलब कुछ इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि प्रवरा, मुड़ा, मंजरा, पदवगु, मनेर, ये कुछ इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ऐसा कुछ था ना अदर कि एक ही ट्रिब्यूटरी थी राइट बैंक की, एक रिवर में गोदावरी की थी ना, मंजरा या किसी और की थी ना? नहीं, गोदावरी के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, अच्छा ठीक है। एक टोटल मंजरा टेन थी और ट्रिब्यूटरीज। एक मंजीरा थी गोदावरी हाँ, की। मंजरा कृष्णा ये मंजरा है ना, ये मानेर, गोदावरी। मानेर इज फॉर मानेरू इज फॉर गोदावरी, मुन्नेरू इज फॉर कृष्णा, मुन्नेरु कृष्णा, मानेरु गोदावरी। ठीक गोदावरी। है, थैंक्स। मेनली इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, इसमें ए ए बहुत आ रहा है, धरना, गंगा, लास्ट में ए, लेफ्ट में। मोस्टली अरे ये महाराष्ट्र के मानेरू नॉर्थ और अगर मुनेरू देखोगे ना, कैसे, इसमें डिफरेंस कैसे याद होगा? देखती जी आपने कैसे याद किया इसको। ध्यान में रख सकते हैं थोड़ा सा कि मुनेरू में मुन्ना मुन्ना आ रहा है और कृष्णा रिवर है ना, तो कृष्णा का जो बाल रूप होता है तो मुन्ना, वैसे याद कर लो, मुन्ना बोलते हैं ना बच्चों को, तो मुनेरू से कृष्णा हो जाएगा मुन्ना, नाइस, है करेक्ट करेक्ट, ना? आप नहीं बोलेंगे। ये सही है, वेरी वेरी नाइस, गुड, थैंक यू। टू गुड। थैंक यू। चलो फिर मतलब गोदावरी पे कुछ प्रोजेक्ट्स है वो देख लेते हैं, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जायकवाड़ी प्रोजेक्ट है यहाँ पे। मतलब जायकवाड़ी डैम सबसे बिगेस्ट डैम माना जाता है। अगर बाकी प्रोजेक्ट देखे जाए तो श्री रामा सागर, गोदावरी बैरेज, अपर पेनगंगा, जायकवाड़ी, अपर वेनगंगा, अपर इंद्रावती एंड अपर वर्धा, ये कुछ है। इसमें से जायकवाड़ी सिर्फ याद रखना, बाकी कुछ इतना याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। एंड नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कुछ बाकी इम्पोर्टेंट रिवर्स की, जिसमें आता है कृष्णा, नर्मदा और भीमा। भीमा की बात की जाए तो वो भीमाशंकर हिल्स में राइज होती है। सीना, घोड़, नीरा, भामा, पौना, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है उसकी। एंड 75% ऑफ भीमा बेसिन लाइज इन द स्टेट, मतलब ये इसका 25% ही महाराष्ट्र के बाहर है। अगर नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा नर्मदा का छोटा सा पार्ट महाराष्ट्र में आता है एंड इट फ्लोज एट द रीजन वेयर महाराष्ट्र फॉर्म्स बाउंड्री विथ एमपी एंड गुजरात, जो ऊपर वाला है ना वहाँ पे, मतलब महाराष्ट्र का सर बोला जाता है, वहाँ पे वो नर्मदा छिड़के चली जाती है। फिर आते हैं कृष्णा रिवर पे। कृष्णा साउदर्न महाराष्ट्र की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जो बाद में कर्नाटका में जाती है, और भीमा इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट स्लाइड।
जैसे हमने देखा कि गोदावरी सबसे बड़ी रिवर है महाराष्ट्र की, तो कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग, मतलब कृष्णा महाराष्ट्र में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए तो कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और अगर रिवर बेस की बात की जाए तो वो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका इस रीजन में फैला हुआ है. इट इज बाउंडेड बाय बालाघाट रेंज नॉर्थ पे, अगर साउथ में देखा जाए तो ईस्टर्न घाट्स पे, अगर ईस्ट पे देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स पे, वेस्ट में देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स पे. कृष्णा कृष्णा की अगर राइज राइज की बात की जाए तो वो महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर के यहाँ से वो राइज होती है, जो कि सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि अक्षय भी वही का है. अगर कृष्णा रिवर की बात की जाए तो मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन इज कवर्ड विद एग्रीकल्चरल लैंड अकाउंटिंग टू 75.8, मतलब अराउंड 75% ऑफ टोटल एरिया. कृष्णा फॉर्म्स लार्ज डेल्टा विद शोरलाइन अबाउट 120, एंड यहाँ पे मैंने वो कृष्णा की इमेज दी है, वो देख लेना, मतलब उसमें ये कर सकते हैं. अगर कृष्णा पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी अगर बात की जाए तो एक ये है, मतलब इसमें कोयना है, तुंगभद्रा है, श्रीशैलम है, नागार्जुन सागर है, अलमट्टी है, नारायणपुर और भद्रा. इसमें अगर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो कोयना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर श्रीशैलम है, नागार्जुन सागर है, अलमट्टी जो कि कर्नाटका में है. ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं. अगर कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, और अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो भीमा, मूसी, मुन्नेरो, ये कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. अच्छा, निजाम सागर और नागार्जुन सागर दोनों बता दो, कौन कौन सी रिवर पे है? नागार्जुन सागर तो कृष्णा पे है. ये तो दिख रहा है निजाम सागर निजाम सागर मुझसे पे है क्या? हाँ दीप्ति, आपसे ही पूछ रही थी. हाँ, मूसी पे है क्या? निजाम सागर गोदावरी, नहीं, गोदावरी पे है वो. गोदावरी, गोदावरी. ठीक अच्छा है, थैंक. ठीक है. जो कोयना का डैम बना है ना, उसी की वजह से मतलब कुछ अर्थक्वेक वाला इश्यू भी आता है, मतलब वो उस वाले रीजन पे अर्थक्वेक्स आते हैं, मतलब फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं. मतलब ये तो हम हर जगह पे होता है कि जहां जहां डैम्स बनते हैं उसका जो मतलब प्रेशर इफेक्ट की वजह से वो अर्थक्वेक प्रोन जोन हो जाता है, लेकिन कोयना वाला एरिया मतलब बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन हो गया है, मतलब वो आई एक थिंक मतलब पालगढ़ का रीजन था ना, पालगढ़ वही वही मतलब फ्रिक्वेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक था इस वजह से. वही फिर मतलब बाकी कोई ये नहीं है. ट्रिब्यूटरीज का मतलब मैप यहाँ पे दिया है, वो बाद में देख लें. अगर डैम्स की बात की जाए तो मतलब ज्यादातर डैम्स नहीं पूछते, लेकिन अगर महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट डैम्स देखे जाए तो जायकवाड़ी और कोयना, ये मतलब बहुत दो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं. बाकी तुम मतलब ऊपर ऊपर से देख लोगे तो भी चल जाएगा. सॉइल्स की बात की जाए तो मतलब दो टाइप के, तीन टाइप के सॉइल्स होते हैं. एक ब्लैक सॉइल जो कि बहुत क्वांटिटी में मिलते हैं, जैसे क्योंकि डेक्कन प्लेटू है, 90% ऑफ एरिया इज डेक्कन प्लेटू, दैट्स व्हाई जो भी मतलब ये होता है प्लेटू वाला होता है डेक्कन प्लेटू, ये यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है. जो कोकन वाला एरिया है वहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल मिलती है. थोड़ा सा साउदर्न वाला एरिया है वहाँ पे लैटरल सॉइल मिलती है, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है जैसे महाराष्ट्र का हाथ बोल सकते हो, वहां पे रेड एंड येलो सेल है वहां पे भी. अब कुछ नेक्स्ट स्लाइड देख लेना. मतलब
कुछ इंफॉर्मेशन दी है ब्लैक सॉयल के बारे में वगैरह, ब्लैक सॉयल और रेड सॉयल के बारे में। उसमें से पहले ब्लैक सॉयल के बारे में देख लेते हैं। इट कवर्स 15% ऑफ इंडियन सॉयल एंड जो लावा रॉक्स होते हैं डेक्कन प्लेटू के, उसके वेदरिंग की वजह से ये सॉयल बनती है। ये सॉइल रिच इन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स होती है, लाइम एंड पोटैश भी रिच होता है। इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस कम होता है। अगर इसकी यूनिक प्रॉपर्टी देखी जाए तो इट इज हाई क्ले कंटेंट होता है। जब ये मतलब सॉइल जब ड्राई होती है तब क्रैक्स दिखते हैं, जैसे इमेज में दिखाया है ना, उस तरीके के क्रैक्स दिखते हैं। और जब वेट होती है तो वो स्टिकी स्टिकी हो जाती है। मतलब कोई खेत में गया होगा तो देखा होगा। क्रैक्स एयर को डेप्थ तक जाने में हेल्प करते हैं। एंड ये सॉइल हाई वाटर रिटेंटिव होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से पानी बियर कर सकती है। एंड दैट्स वाई इट्स गुड फॉर कॉटन कल्टिवेशन। अगर एरियाज मतलब ये ओवरऑल ब्लैक सॉइल के बारे में एरियाज की बात की जाए तो महाराष्ट्र प्लेटू, काथियावाड़, विंध्यन, कैमूर हिल्स, ये कुछ एरियाज है जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। मतलब बाकी बाकी सॉइल में और मतलब ब्लैक सॉइल में ऐसे थोड़ा कंपैरिजन दिया है। जो कि मतलब मिनरल्स किसमें क्या क्या मिलते हैं। अलुवियल सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन पोटेशियम मिलता है, जो कि फॉस्फोरस में कम होता है। ब्लैक सॉइल में पोटेशियम मिलता है, जो कि नाइट्रोजन में पुअर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में पुअर होता है। रेड सॉइल में पोटेश मिलता है ज्यादा, एनपी एंड ह्यूमस कम होता है। लैटरल सॉइल में पोटेश आयन एक्सेस में होता है, एनपी कैल्शियम कम होता है। एरिड सॉइल में हाई कैल्शियम ज्यादा होता है एंड मतलब नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कम होता है। सलाइन में सोडियम पोटेशियम मतलब सोडियम पोटेशियम ये वाले एक्सेस में होते हैं और नाइट्रोजन कम होता है। अगर रेड सॉइल की बात की जाए, थोड़ा नीचे ले लेना। तो रेड सॉइल की बात की जाए तो अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो ये 25% कवर कर लेता है एंड बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड है। एंड इट फॉर्म ड्यू टू इरोजन एंड इरोजन ऑफ ग्रेनाइट एंड जेनेसिस रॉक्स हैविंग आयरन एंड निकल। एंड इट इज अ बेस्ट ड्रेन सॉइल, लीस्ट ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। रेड सॉइल में रिच मतलब लाइम, फॉस्फेट, आयरन, पोटैश, ह्यूमस ये ज्यादा मिलते हैं, और बट इट लैक्स इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। मतलब ऊपर वाले टेबल में हमने यही देखा। एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंड बैलेंस। एंड ये जो रेड सॉइल होती है ये मतलब सॉइल इरोजन इससे ज्यादा होता है। एंड अरिड रीजन्स में मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया में ये ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह मतलब इट इज द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी। एंड ब्रिक मेकिंग होती है उसकी वजह से, मतलब जो टॉप टॉप सॉइल होती है वो लॉस हो रही है। एंड एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, वो देख लेना, बाद में अटेम्प्ट कर लेना। अब रेनफॉल पैटर्न की बात करते हैं। रेनफॉल पैटर्न मतलब मोस्टली ये साउथ साउथ वेस्ट मानसून से आता है, क्योंकि वेस्ट में अरेबियन से है ना, तो उसे अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज ब्लॉक्ड बाय सह्याद्री हिल। मतलब वेस्टर्न घाट पे जो सह्याद्री हिल्स है वो ब्लॉक करते हैं, विच यूज हायर रेनफॉल इन कोकण एंड वेस्टर्न घाट्स रीजन। एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र रिसीव लेस रेनफॉल, क्योंकि सारी बारिश तो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मतलब धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे ईस्टवर्ड जाएंगे वैसे वैसे वो बारिश कम होती जाती है। इसीलिए जो नागपुर वाला एरिया है, जैसे विदर्भ वाला एरिया है, वहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ता है। तो मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत सारे जैसे अभी भी न्यूज में देखा होगा कि हमारे साइड पे मतलब फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन वही अगर ईस्टर्न साइड की बात देखी जाए तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट वाली सिचुएशन आ जाती है। इसीलिए वो आमिर खान ने और नाना पाटेकर ने मिलके मतलब एक
पानी मूवमेंट भी स्टार्ट किए हैं, वो वाला पानी मतलब फाउंडेशन। वो, हाँ पानी फाउंडेशन, वो वाला मतलब इसी रीजन के लिए है, मतलब है तो वो सभी के लिए, लेकिन मेन टारगेट और टारगेट ये वाला एरिया है। दैट हैंड पार्ट इज विदर्भ राइट, हैंड पार्ट इज विदर्भ। उसके बगल में मराठवाड़ा हाँ राइट। फिर अब मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं। मेजर क्रॉप्स में आता है कि मतलब शुगर सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब क्योंकि वेस्टर्न घाट पे अगर देखा जाए, मतलब हमारी हमारे एरिया में देखा जाए, तो मोस्टली मतलब यहाँ पे बारिश वारिश अच्छी से हो जाती है, तो मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, तो शुगर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, मतलब गन्ना अच्छे से उगता है तो ऑब्वियसली शुगर भी है, और शुगर कोऑपरेटिंग सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिंग फैक्ट्रीज भी ज्यादा है, तो शुगर बनने में कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है एंड प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन इन इंडिया। मतलब आपने सुना ही होगा कि मोस्ट ऑफ द मतलब दिल्ली में वगैरह जो प्याज वगैरह आते हैं वो मतलब यही से निकलते हैं। फिर अल्फोंसो मैंगो, मतलब एक जीआई टैग भी मिला है, मतलब ये भी बहुत मतलब ये फॉरेन में भी एक्सपोर्ट होते हैं, एंड मोस्टली अल्फोंसो मैंगोज जो होते हैं वो कोकन एरिया में मतलब आते हैं। एंड महाराष्ट्र अल्सो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कंट्री विद हाईएस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन, मतलब महाराष्ट्र में ड्रिप इरिगेशन बहुत होता है। अगर सेंट्रल महाराष्ट्र की बात की जाए तो वो मतलब रेनफॉल बहुत स्कैंटी होता है, तो उसकी वजह से जो वाटर स्कैर्सिटी है, ड्रॉट वाली सिचुएशन ज्यादा आती है, इसीलिए दीज एरियाज फोकस ऑन हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर रादर देन स्टेपल क्रॉप्स। इसीलिए जो ईस्टर्न वाला एरिया है वहां पे मतलब कॉटन वगैरह ज्यादा होती है, वो देख लेना। फिर आते हैं कि मिनरल्स क्या क्या है, मतलब मिनरल्स में मोस्ट ऑफ मतलब मैंगनीज मिलता है, कोल मिलता है, आयरन ओर मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, कॉपर मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, सिलिका सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, मतलब ये कुछ मिनरल्स मिलते हैं। एंड एक बॉम्बे हाई करके रीजन है, वहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी मिलते हैं, मतलब वो ऑयल रिफाइनरी भी है वहाँ पे, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर पावर प्लांट्स की बात की जाए, नेक्स्ट स्लाइड लेना, पावर प्लांट्स की बात की जाए तो पावर प्लांट्स में एक तारापुर करके पावर प्लांट है, जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, मतलब वो वाला एरिया इम्पोर्टेंट है। फिर एक है कि रत्नागिरी पे कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है। कंबाइंड मतलब क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि स्टीम टरबाइन यूज करते हैं, जो भी मतलब हाइड्रो अगर कोल वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो स्टीम टरबाइन यूज करते हैं, तो कंबाइंड साइकिल में क्या होता है कि गैस और स्टीम दोनों यूज करते हैं, जिससे मतलब फायदा ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो नॉर्मल से 50% मोर जनरेट होती है। ये तारापुर की बात, एक बात याद रखना कि तारापुर इज द फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बिल्ट इन इंडिया, एंड जैतापुर बनने की बात चल रही है, लेकिन उसको अपोज हो रहा है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली एनवायरमेंट कंसर्न्स वगैरह। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स की बात की जाए तो कोयना जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। बाकी डैम्स है लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर लीव कर दोगे तो भी चल जाएगा। फिर आते हैं पोर्ट्स पे। पोर्ट्स पे जेएनपीटी जो पोर्ट है वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है, एंड इंडिया 30 मेजर पोर्ट इज प्रपोज टू बी सेटअप इन वाधवान पोर्ट। अब लोकेशन देख लेना, वाधवान पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, जेएनपीटी पोर्ट है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं महाराष्ट्र के। एंड मुंबई इज ऑल्सो होम टू ऑयल रिफाइनरी मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रत्नागिरी रिफाइनरी है एंड पेट्रोकेमिकल्स है, जो कि ज्वाइंट वेंचर ऑफ सऊदी अरब है, अबू धाबी है, नेशनल ऑयल कंपनी है एंड थ्री स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी। ये प्रपोज्ड है, मतलब इतना देखने की जरूरत नहीं है। फिर अभी जो हुआ है इसके बारे में देख लेना कि मतलब मुंबई एक मतलब ऑयल रिफाइनरी है अच्छे खासी। इकोनॉमिक कॉरिडोर तो हमने मतलब कल ही देखा था कि अजय जी ने अच्छे से बताया था, तो ये देखने की जरूरत नहीं है, बाद में देखने का। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, जो कि मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चार मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है। मतलब इससे मतलब महाराष्ट्र की जो मतलब ये NH4 है, उसकी वजह से कनेक्टिविटी अच्छे से बढ़ गई है। नेक्स्ट, फिर नेशनल पार्क्स के बारे में देख लेते हैं। नेशनल पार्क्स मतलब डेली तो हम डिस्कस करते ही है, तो मतलब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक प्लांस देख लेते हैं। संजय गांधी जो नेशनल पार्क है, संजय गांधी, चांदोली, ताडोबा, नवेगांव, पेंच, गुगामल, ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो कि महाराष्ट्र में है। देन ये ताड़ोबा वाला है, वो अंधेरी मतलब ये अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। फिर अगर इसमें चांदोली की बात की जाए, तो चांदोली ये यहीं पे सह्याद्री टाइगर रिजर्व है और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। अगर ये संजय गांधी नेशनल पार्क की बात की जाए, तो वहीं पे कानेरी केव्स है, वो वहीं पे लोकेटेड है। एंड गुगामल वगैरह ये वो सातपुरा रेंज में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ताड़ोबा इज ऑल्सो कॉल्ड अंधेरी. हाँ, मतलब वहीं पे एक अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, दिस अंधेरी इज नॉट मुंबई वाला अंधेरी, नो? हाँ, वो वो नहीं नहीं, है. वो अलग है। अंधेरी टाइगर रिजर्व भी है क्या? टाइगर रिजर्व तो नहीं सुना मैंने, ताड़ोबा 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 टाइगर टाइगर रिजर्व है। ठीक उसके अंदर ही वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है बस. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत है, मतलब इतना कोई मतलब याद करेगा कैसे करेगा ये देख लो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, जो कि भीमाशंकर है, जिसमें इंडियन जॉइंट स्क्विरल मिलता है। महाराष्ट्र में टोटल 42 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और मतलब जैसे अभी बताया कि भीमाशंकर में इंडियन जॉइंट स्क्विरल मिलता है। एंड राधा नगरी का या दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वो मेनली इंडियन बायसन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, बाकी कोई नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। नेक्स्ट, गॉड का स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड, गौर एंडेंजर्ड है ना? नहीं, वल्नरेबल है. वल्नरेबल ओनली वल्नरेबल. है क्या? ठीक है, बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह देख, बायोस्फीयर और रामसर वेटलैंड देख लेते हैं। इसमें दो वेटलैंड्स हैं, मतलब रामसर साइट्स हैं। एक नंदूर महादेश्वर वेटलैंड है लोनार लेक, एंड नंदूर महादेश्वर मधुमेश्वर वेटलैंड है, मतलब नंदुरबार एक डिस्ट्रिक्ट है, उससे याद रख सकते हैं नंदुर मधुमेश्वर। और लोनार लेक तो मतलब हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि ये क्रेटर लेक है, उस मतलब उससे भी याद रख सकते हैं। टाइगर रिजर्व की बात की जाए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेना। टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो मतलब टोटल 6 टाइगर रिजर्व है, एक सह्याद्री,
एक मेळघाट जो मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है वो वाला, एक बोर है पेंच, पेंच जो कि मतलब एमपी और महाराष्ट्र बॉर्डर मतलब दोनों में आता है वो पेंच, नवेगांव नागजीरा एंड ताडोबा अंधर, मतलब ताडोबा टाइगर रिजर्व वगैरह देखा वो, मतलब ये कुछ टाइगर रिजर्व है याद इसमें रखो। से कॉपी कौन कौन सी हो रही है नेशनल पार्क में? मेलघाट हो रही है, पेंच हो रही है, नवेगांव हो रही है और ताडोबा अंधारी हो रही है ना? ताड़ोबा नेशनल पार्क नहीं है शायद। ताडोबा नहीं है, ठीक है, तो चार हो रही है ना, ठीक है, मेलघाट, पेंच और नवेगांव, एक सेकेंड, तीन ही हो रही है। मेघट भी नेशनल पार्क है, एक बार खोलना ना नेशनल पार्क वाली स्टोरी, ताडोबा भी, गुगा ताडोबा भी मल है नेशनल ना। पार्क था। हाँ ताडोबा भी तो ताडोबा था है नेशनल पार्क। लेकिन ये मेलघाट नहीं है, गुगा मल है हाँ वहां पे। गुगा नहीं, ठीक है, पेंच है, नवेगांव है, ताडोबा है, ये कन्वर्ट हो रही है नेशनल पार्क में, मतलब कन्वर्ट मतलब नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। अब बात करते हैं कल्चर के बारे में, मतलब कल्चर में क्या क्या है वो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से जितना मिल सकता है उतना ले लिया, बाद में तुम लोग ऐड कर देना। एक इंडस वैली साइट है दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिले, इंक्लूडिंग ब्रॉन्ज चैरियट हैज मतलब ब्रॉन्ज चैरियट भी मिला है। एक मतलब टेंपल आर्किटेक्चर की बात की जाए तो त्र्यंबकेश्वर टेंपल है जो कि नासिक में है, जो कि लॉर्ड शिवा पे बेस्ड है, ये बालाजी राव ने बनाया एक और है। क्वेश्चन है, ये दैमाबाद इंस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशन्ड है, इम्पोर्टेंट है? क्या क्या मेंशन्ड है? शातवाहनास के बारे में मेंशन है क्या? बताओ। ठीक है, कंटिन्यू करो, देख लो दायमाबाद मेरी। तो उसके लिए फेमस है ना, सॉरी इंडस वैली वाला जो सबसे इंडस मोस्ट वैली है। की तो स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी गई है। अच्छा इंडस वैली लिखा की तो सबसे साउथ वाली साइट है ना, और यहाँ था, पे राइट, बॉम्ब सबसे का भी। साउथ वाली है। आदि चन्ना जोड़े क्या वो? क्या क्या मिलता है नहीं, यहाँ पे? चन्नाचलूर जो है वो प्री हिस्टोरिक साइट में है, आईवीसी का जो साउदर्न पॉइंट है वो दैमाबाद। ओके, दैमाबाद की चालकोल फोटो इतनी साइड भी थी क्या पहले से जो था ना कि ठीक है आगे उसको चलते हैं। मतलब संजय ने भी बोला था उसमें दैमाबाद का कुछ मतलब बोला ही नहीं था उसने, मतलब जो लिस्ट बनाई थी उसने। ठीक कौन सी लिस्ट? है, अरे मतलब जो आईवीसी की साइट से उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज है वो मतलब डिस्कस कर रहे थे ना उस वक्त। हाँ ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू करो। ठीक है, मतलब जो टोटल लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग्स है उसमें से 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है। एक ग्रहणेश्वर है जो कि इलोरा में है औरंगाबाद, फिर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल अभी देखा नासिक में है, फिर भीमाशंकर जो कि पुणे में है। अगर मतलब इसमें ऊपर देख लेना, अजंता केव्स के बारे में देख लेते हैं। अजंता केव्स भी महाराष्ट्र में ही है, इट इज अ रॉकट केव्स, रेंजेस ऑन वोगरा रिवर औरंगाबाद में। इसमें टोटल 29 केव्स है जिसमें से 25 विहाराज है, 4 चैत्याज है। विहारा मतलब रेसिडेंशियल प्लेस होती है, चैत्या मतलब जहाँ पे प्रेयर वगैरह होती है वो। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो इट इज बिटवीन 200 BC to 650 AD प्रोबेबली। एंड अजंता केव्स मतलब ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इंस्क्राइब की थी अंडर पैट्रोनेज ऑफ वाकाटक हरिसेना। यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग्स भी मिलती हैं, एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स इनकी टेक्निक ये होती है कि जो मतलब इनमें जो कलर्स मिले वो लोकल वेजिटेशन से मिले,
वेजिटेशन या मिनरल से मिले। फ्रेस्को पेंटिंग में ये होता है कि जो आउटलाइंस होती है पेंटिंग्स की वो रेड कलर से होती है, ये मतलब प्रोमिनेंट फीचर है। एंड इसमें ब्लू कलर अब्सेंट होता है, ये याद रखना है। और इसका रीजन बताओ, व्हाई इज ब्लू एब्सेंट? क्योंकि वो नेचुरली नेचुरल अवेलेबल नहीं, कलर्स नहीं है ना। नेचुरल में नहीं मिलता वो, जो मिलता है वो स्काई में ही मिलता है। ठीक है, और ये जो पेंटिंग्स है वो जनरली बुद्धिज्म के अराउंड घूमती है। तो जो मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं इंडिया में, उसमें से तीन महाराष्ट्र में है। एक आती है भजा कार्ला केव्स, जो कि पुणे में है। फिर अजंता एलोरा पिथलकोरा केव्स, जो कि औरंगाबाद में है। फिर कानेरी केव्स, जो कि मुंबई में है, मतलब पांडवलेनी केव्स, जो कि नासिक में है। ये कुछ मतलब बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं। अगर जैनिज्म की बात की जाए तो जैनिज्म में, जैन पिलग्रिमेज में एक मांगी तुंगी है, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इट इज अ ट्विन ट्विन पिनेकल पीक, मतलब दो दो पीक्स है वहां पे, मतलब एक मांगी है एक तुंगी है, मतलब मांगी पे एक अलग है डेटी है, तुंगी पे एक अलग डेटी है। इट एनश्राइज इमेजेस ऑफ तीर्थंकरास एंड मतलब अलग अलग पोस्टर में, जैसे पद्मासना हो गया, कायस्थ हो गया, ये अलग अलग पोस्टर्स में वहां पे तीर्थंकरा की इमेजेस है। शायद मतलब आदिनाथ तीर्थंकर ही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एक क्वेश्चन, इन्हीं फिर में से, इन्हीं केव्स में से एक शिवलेनी केव्स होती है, नाम बताओ। शिवलेनी के, अच्छा मतलब इनका दूसरा नाम। यार वो त्रिमूर्ति वाली तो नहीं बोले वो त्रिमूर्ति जो एलिफेंटा के में आती है वो अलग थी ना। ठीक है, देखना पड़ेगा। शायद पांडव लेनी को शिव लेनी कहते हैं क्या? कानेरी, ठीक है, देख लेंगे। सर्च करके बता रहे हैं। कि मांगी टुंगी का भी कुछ सिग्निफिकेंस था ना यहाँ पे, मतलब ऐसा था कि कुछ तो सिग्निफिकेंस था, या तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, किसी को पता है कुछ? सिग्निफिकेंस तो मतलब यही था कि एक मोनोलिथिक स्टोन पे है, मतलब एक ही स्टोन पे बनाया गया है। मतलब जो एक तो 8 फीट की आइडोल है वो सैलिब्रेशन से रिलेटेड था क्या हम्म, कुछ? वो तो सैलिब्रेशन से रिलेटेड? तीर्थंकर तीर्थंकरा की है ना, तो इसीलिए मतलब अच्छा, ये आई डोंट थिंक सो कि कायोत्सर्ग, यहाँ पे किसी को सेलिब्रेशन मिला है। ठीक है, क्या बोल रही थी आदिति? ये कायोत्सर्ग कौन सी होती है पोस्चर? मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। देख के बता दूंगा बाद में। ओके, फिर आते हैं वार्लिक पेंटिंग पे। वार्ली पेंटिंग मतलब महाराष्ट्र की मतलब एक इम्पोर्टेंट पेंटिंग मानी जाती है। मतलब ये गुजरात में भी मिलती है, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर वाला रीजन है, वहां पे मिलती है। इसमें जनरली मतलब मोस्टली ऑल ज्योमेट्रिक शेप्स मिल जाते हैं हमें, और ये रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स है। एंड मतलब इसमें मतलब इमेज में दिख रहा है हमें कि इसमें जो सेंट्रल मोटिव होता है ये मतलब चौक होता है, मतलब जैसे स्क्वायर वगैरह होता है ना उस टाइप में। एंड इट इज सराउंडेड बाय सीन्स पोर्ट्रेटिंग हंटिंग फिशिंग फार्मिंग डांसिंग एंड ट्रीज एंड फेस्टिवल इस टाइप में। पालाघाट मतलब पालाघाट मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी होता है, वो ड्रॉन की जाती है इस पे। अगर एम्ब्रॉयडरीज की बात की जाए तो एक मतलब एक हिमरू शॉल्स होती है, वो बहुत पॉपुलर है, औरंगाबाद की होती है वो एम्ब्रॉयडरीज।
अगर लेदर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो लेदर प्रोडक्ट्स में एक मतलब महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल है, वो बहुत फेमस है। मतलब अगर कोई शादी शादी वाला सीन होता है तो मोस्टली जनरली वो कोल्हापुरी चप्पल भी पहनते हैं, मतलब कुर्ते पे वगैरह बहुत अच्छे से सूट होता है। इसलिए अगर जो ट्रेडिशनल रीजनल साड़ीज की बात की जाए तो महाराष्ट्र में दो साड़ीज बहुत फेमस है, एक नववारी साड़ीज और पैठणी साड़ीज। मतलब जैसे जनरली औरतें पहनती है, मतलब आजकल की औरतें पहनती है वो सावारी पहनती है ना, मतलब 6 लेयर्स होते हैं जो ये करते हैं। तो मतलब महाराष्ट्र में जो पहले की औरतें थी वो नौवारी पहनती थी, मतलब उसकी लेंथ भी बड़ी होती थी और वो जो 6 लेयर्स थे उसकी जगह वो 9 लेयर करते थे। फिर एक पैठनी करके महाराष्ट्र की साड़ी है जिसमें सिल्क एम्ब्रॉयडरी, मतलब सिल्क साड़ी होती है जिसमें गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है। ये मतलब बहुत फेमस है। मतलब ये साड़ी, मतलब नौवारी तो एक टाइप होता है साड़ी का, लेकिन पैठनी मतलब एक मतलब जैसे बनारसी डिस्टिंक्ट साड़ी हो गई। क्लासिफिकेशन है। हाँ, बनारसी साड़ीज हो गए, उसी टाइप की पैठनी साड़ीज हो गए। ये पैथनी किसका क्लासिफिकेशन है? मतलब साड़ी तो साड़ी ये उसका। है, नौवारी मतलब जैसे हम अलग अलग टाइप की साड़ीज पहनते हैं ना, तो उसी टाइप वो नौवारी हो गई। लेकिन पैठनी मतलब साड़ी का टाइप हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे बनारसी साड़ीज हो गई, ये कलमकारी जैसे साड़ीज कांजीवरम हो गई, ये अलग हो अलग गया। साड़ीज, हाँ कांजीवरम हो गई, ये सारी है ना, वैसे पैठनी होती है। ओके और नौवारी मतलब जैसे वो स्पेसिफिकेशंस होती है सारी की अलग अलग, उसमें नौवारी हो गई। ओके, शायद 9 प्लीट्स वाला साड़ी है। राइट हाँ, 9 प्लीट्स वाला। हाँ, राइट राइट मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा था। राइट हाँ, 9 प्लीट्स वाली साड़ी होती है, वो नौवारी साड़ी होती है। देन नेक्स्ट चलते हैं। जो रीजनल फुटवेयर्स होते हैं उसमें अभी देखा कि लेदर में जो कोल्हापुरी चप्पल होता है वो मतलब बहुत फेमस है। ये कर्नाटका और महाराष्ट्र में दोनों में मिलता है। एक ये अगर फोक डांस की बात की जाए तो यहाँ पे फुगड़ी हमने देखा था, जो कि कोकण रीजन महाराष्ट्र में बहुत मतलब कोकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में देखा था। गोवा स्टेट कर रहे थे उसी वक्त, उस वक्त भी हमने देखा था जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लेके ये। फिर अदर फोक डांसेस देखे तो एक ओवी होता है। ओवी मतलब जैसे पहले औरतें क्या करती थी कि मतलब अभी मतलब चक्की वगैरह आई है ना सेपरेट, लेकिन वो धान जो होता था वो घर में ही पीसते थे, और वो पीसते वक्त जो भी सॉन्ग्स वगैरह गाते थे उसे ओवी बोलते हैं। अगर लावणी की बात की जाए तो मतलब ये महाराष्ट्र का फोक डांस है जिसमें मतलब बीच बीच में ड्रामा भी होता है, इंस्ट्रूमेंट भी होता है। मतलब बहुत सारी मूवीज में वगैरह लावणी भी देखा होगा शायद। बाजीराव मस्तानी हाँ, बाजीराव मस्तानी में लावणी नहीं है। तो कौन सा है? वो अप्सरा अली हाँ, वो अप्सरा लावणी। अली लावणी है, वो नटरंग मूवी पूरी लावणी पे बेस्ड है। ठीक है। फिर पोवाड़ा एक फॉर्म है जो कि मतलब जो महाराष्ट्र के मतलब दैवत माने जाते हैं, जो कि शिवाजी को बोलते हैं, मतलब शिवाजी महाराज इन्होंने महाराष्ट्र की स्थापना की ऐसे बोलते हैं। मतलब पहले भी था, लेकिन जो महाराष्ट्र को स्वराज या फ्रीडम की बात की वो शिवाजी ने की। तो इसीलिए मतलब उनके ऊपर जो भी सॉन्ग्स, उन्होंने जो जो पास में ग्लोरियस विक्ट्रीज वगैरह हासिल की उस पे जो भी सॉन्ग्स है वो पोवाड़ा उस पे होता है। अगर फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो संबल एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ड्रम की तरह होता है और ये कोकण रीजन में ज्यादा बजाते हैं। अगर अदर फ्यूजन एंड मतलब क्लासिकल फ्यूजन एंड फोक की बात की जाए तो एक अभंग आता है,
जैसे वो मतलब तुकाराम वगैरह गाते थे ना, तुकाराम नामदेव वगैरह, वो अभंग गाते थे। अभंग मतलब जो मतलब अभंग मतलब भंग नहीं हो सकता, मतलब कंटिन्यूअस जो होता है वो अभंग होता है। फिर अगर जो महाराष्ट्र के कुछ मतलब जैसे मार्शल आर्ट्स होते हैं, उसमें से अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो मल्लखांब एक बहुत फेमस गेम है। मतलब इस टाइप का गेम भी होता है, मतलब ऐसे खाम मतलब एक खाम को क्या बोलते हैं, एक पोल होता है ना, हाँ पोल पे अलग अलग मतलब वो अलग अलग पोस्चर्स करते हैं, या फिर मतलब पोल के साथ खेलते हैं, उसे मलखम बोलते हैं। ये तो एमपी का है ना, मल्लखंब महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र में भी है। में भी है। फिर ये आते विठोबा ही हैं, वर्कारी वाला है ना। हाँ वारकरी वाला। फिर मतलब कुछ प्रोमिनेंट सेक्ट्स या फिर मतलब सेक्ट्स वगैरह आते हैं, जैसे वैष्णविज्म पे आते हैं। वैष्णविज्म में मतलब जैसे अभी आदित्य ने बोला कि वो विठोबा वाला वारकरी पंथ वगैरह होते हैं, वो लॉर्ड विष्णु के होते हैं। मतलब विष्णु विठोबा को विष्णु का एक अवतार भी मानते हैं। इसमें वारकरी वाले क्या करते हैं कि आ, आ, चल के जाते हैं, जो एक पंडरपुर नाम की एक जगह है, वहां पे विठोबा का एक मंदिर है, वहां तक मतलब चल के जाते हैं, मतलब बाय वॉक जाते हैं। फिर मतलब उसी को वारी वगैरह कहते हैं। फिर आते हैं, तुकाराम भी पंढरपुर के थे ना? नहीं, वो पंडरपुर के नहीं थे, मतलब उनकी जगह अलग थी, लेकिन वो उन मतलब वो सब एक ही टाइम फ्रेम के थे ना, तो और ओके थोड़ा इधर उधर मतलब आसपास के ही थे सब लोग, ओके। लेकिन पंडरपुर के नहीं थे शायद। फिर अगर ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के कुछ कुछ हमने बहुत सारे मतलब कुछ कुछ पार्ट्स हमने पहले भी देखे थे। इसमें बुद्धिज्म में ये देखना है कि इंडिया जो कि बुद्धिज्म की पॉपुलेशन है, जो कि बुद्धिस्ट इंडिया में है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग महाराष्ट्र में है। एंड अगर और एक ये मतलब बुद्धिज्म का इतना ही था। कुंभ मेला की बात की जाए तो कुंभ मेला में मतलब चार प्लेसेस होते हैं ना इम्पोर्टेंट, उसमें से एक इम्पोर्टेंट प्लेस है मतलब नासिक त्र्यंबकेश्वर, जो कि गोदावरी रिवर पे, मतलब एक कुंभ मतलब वहां पे है। अगर मराठी लिटरेचर की बात की जाए तो मराठी लिटरेचर मतलब वो 13 सेंचुरी में मतलब ज्ञानेश्वर वगैरह, जब हम मिडिल हिस्ट्री देख रहे थे उस वक्त ज्ञानेश्वर एकनाथ तुकाराम इन्होंने मतलब मिडिल हिस्ट्री में मराठी लिटरेचर में बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे कीर्तन हो गए, ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। फिर जनाबाई थी, जनाबाई मतलब शी वॉज द ओल्डेस्ट नॉन फीमेल राइटर थी महाराष्ट्र की। एकनाथ ने भगवत पुराण लिखी थी, रामायण भी। फिर तुकाराम ने ओविज लिखी थी। रामदास एक भक्ति पोएट थे। एंड जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, या फिर विष्णु शास्त्री चिपळूणकर वगैरह, मतलब अलग अलग ये एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, इन्होंने मराठी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया है। अगर फेस्टिवल्स की बात की जाए तो फेस्टिवल्स में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है महाराष्ट्र में। अगर मतलब अलग अलग जगह पे न्यू ईयर्स को अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, वही मतलब अगर न्यू ईयर ईयर को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। एंड अगर प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स की बात की जाए तो निम्बार का एक मतलब भक्ति सेंट है, जो मतलब महाराष्ट्र में थे लेकिन बाद में वो मथुरा माइग्रेट हो गए थे। वो इन्होंने ही द्वैत अद्वैत फिलोसॉफी दी थी, एंड ड्वेलिस्टिक नॉन ड्वेलिज्म मतलब मतलब द्वैत अद्वैत का सिद्धांत दिया था। फिर इनको जो थर्ड
फॉलो करते थे, उन्हें मतलब निम्बार का संप्रदाय भी बोलते हैं। एंड बाकी प्रोमिनेंट संत अगर देखे जाए तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, समर्थ रामदास। ज्ञानेश्वर ने मतलब ज्ञानेश्वरी लिखी थी, नामदेव ने मतलब ये भी वारकरी सेक्स की है। फिर नामदेव लॉर्ड विठोबा के मतलब पुजारी थे। फिर एकनाथ भी वारकरी सेंट सी है, बट वो सूफी मिस्टिसिज्म से इन्फ्लुएंस थे एंड वेदांता फिलोसफी से भी थे। एंड तुकाराम की अगर बात की जाए तो ये विठला के डिवोटी थे, और इन्होंने जो भी पोएट्री लिखी है उसे अभंगा बोलते हैं, या फिर मतलब कीर्तन्स वगैरह भी बोलते हैं। रामदास लॉर्ड रामा के, राम और हनुमान के थे, इन्होंने दासबोध लिखी है। और शिवाजी महाराज इनको अपना गुरु भी मानते थे। इंडियन स्पोर्ट्स की बात की जाए तो खो-खो, नाम खो-खो एक स्पोर्ट्स होगा, मतलब आपको पता होगा, मतलब जिसमें 11 प्लेयर्स वगैरह होते हैं वो। फिर ये खो-खो स्पोर्ट्स महाराष्ट्र में ओरिजिन हुआ है। अगर इसमें जीआई टैग की बात की जाए तो जीआई टैग में एक टर्मरिक है, मतलब सांगली की टर्मरिक है जो जिसे जीआई टैग मिला है। फिर अल्फांसो मैंगो, फिर कोल्हापुरी चप्पल, ये कुछ आइटम्स है। और अंबे मोहर राइस, ये कुछ आइटम्स है जिन्हें जीआई टैग मिला है। फिर अगर रिलीजियस प्लेसेस की बात की जाए तो कुछ रिलीजियस प्लेसेस है पूरे इंडिया में जहाँ पे वुमेन की एंट्री बैन है। उसमें से एक टेम्पल महाराष्ट्र में है जिसका नाम है शनि शिंगणापुर टेम्पल। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो जो भी टोटल साइट्स है उसमें से 5 साइट्स महाराष्ट्र में है, विच इज द हाईएस्ट नंबर इन इंडिया। मतलब अगर पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट डब्ल्यूएचएस कहाँ पे है तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरी तरफ से मैंने जितना कलेक्ट करना होता था मैंने कर लिया था। इन्होंने जो जो दिया है वो सिर्फ एक बार देख लेते हैं। एलिफेंट टास्क केव्स जो कि घारापुरी में है, मतलब मुंबई के पास है, अभी देखा हमने। फिर अजंता केव्स, एलोरा केव्स, फिर मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलिफेंटा केव्स, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई, एंड वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन दी गई है। दीज आर सम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कल्चर की बात की जाए तो तमाशा है, लावणी फोक डांस है, अभी देखा हमने। बाकी वारली पेंटिंग्स भी देखा, पोवाड़ा भी देख लिया। फिर अगर ट्राइब्स की बात की जाए, ट्राइब्स मैंने संजय स्क्रीन अटक गई है क्या? नहीं, अगर ट्राइब्स की बात की जाए तो कुछ ट्राइब्स हैं जो कि काठकरिया है, कोलम है, मरिया गोंड है। ये मतलब इसमें इनके बारे में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये ट्राइब्स महाराष्ट्र की याद रखना। जो वाइल्ड लाइफ इन न्यूज है वो व्हाइट रम वल्चर है जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और फॉरेस्ट आउलेट है जिसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। एक्चुअली मतलब मुझे मैं टाइम नहीं मिला वो बाकी मतलब जो रिसेंट न्यूज है वो कलेक्ट करने का, जब भी मिलेगा वो मैं कलेक्ट करके फिर भेज दूंगा। अरे बस, जीआईटेक के बारे में देख लिया हमने। फिर रिसेंट न्यूज में देख लेते हैं, प्रियम्बल रीडिंग मेड कंपलसरी इन स्कूल्स, मतलब स्कूल में ये किया है। नागपुर रिजोल्यूशन, ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के परस्पेक्टिव से। हो गया, इतना दिस इज फ्रॉम माय साइड। सब स्पीचलेस हो गए। थैंक थैंक यू अभिनव, यू थैंक यू अभिनव।
सब रिवाइज करा दिया तुमने अपना, थैंक यू। काफी मेहनत किया अभिनव, यू रियली वर्कड हार्ड। नाइस एफर्ट्स, काफी अच्छा था और कंपाइलेशन थी पूरी हर जगह हर बुक की। अब ऐसे नेक्स्ट स्लाइड्स कौन बना रहा है? ऐसे अब आप बना, अगली बारी मेरी है और मेरी तो मेरी रात को नींद नहीं आएगी मुझे। हाँ। कि हमसे तो इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। अब आई है बारी सानू की, बहुत दिन बचते रहे। इसीलिए निकाला है तुमने ग्रुप? अरे मुझे वेस्ट बंगाल से नहीं हुआ, मुझे किस ग्रुप से निकाला?